महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ है कि आज दिल्ली में महायुति के नेताओं की बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और शिंदे, फडणवीस, अजित पवार के साथ बैठक होगी और इसी सिलसिले में आज दिल्ली पहुंचेंगे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। आज महायुति की बैठक के बाद सीएम पर फैसला भी आ जाएगा। माना यही जा रहा है कि महाराष्ट्र में नए सीएम के नाम का ऐलान आज हो जाएगा। एकनाथ शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी का सीएम हमें मंजूर है, महाराष्ट्र में दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में सीएम चुनने के नाम पर अब दिल्ली में महायुति की बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शिंदे, फडणवीस, अजित पवार तीनों ही नेता महायुति की पार्टी के पहुंचने वाले हैं दिल्ली। आज दिल्ली पहुंचेंगे और महायुति की बैठक के बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि साफ हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। आपको 6 तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, आपको बताते हैं कि पूरी टाइमलाइन क्या रही है जब से चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए थे, महायुति ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। फिर 24 नवंबर की तारीख जब महायुति की बैठक बुलाई जाती है, यहां भी बैठक हुई लेकिन बावजूद इसके भी सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं हुआ। 25 नवंबर को अमित शाह और फडणवीस की मुलाकात हुई, इसके बाद सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि अब यही माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में अब सस्पेंस खत्म हो जाएगा। 26 नवंबर आता है, एकनाथ शिंदे का इस्तीफा होता है। 27 नवंबर को शिंदे ने समर्थन दिया, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुझे कोई लालसा नहीं है सीएम पद की, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण जो समर्थन करता हूं। 28 नवंबर आज की तारीख है जब महायुति की दिल्ली में बैठक होने वाली है। अब इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। राकेश चौधरी मेरे साथ, मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। राकेश, आज दिल्ली में महायुति के नेताओं की बैठक होने जा रही है, तो माना जाए कि आज तो महाराष्ट्र का महाऐलान हो ही जाएगा। देखिए अंजलि, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम है। पिछले 5 दिनों से सीएम पद को लेकर, सीएम के नाम को लेकर जो सस्पेंस जारी है, उससे आज पर्दा उठ जाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने तो कल ही लगभग ये तय कर दिया कि मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस होंगे या मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान के तर्ज पर कोई नया नाम सामने आएगा, इसका गतिरोध आज खत्म हो जाएगा। महायुति के नेताओं का आज दिल्ली में बैठक है, अजीत पवार पहुंचेंगे, देवेंद्र फडणवीस पहुंचेंगे, अमित शाह के साथ शाम को ये मीटिंग होनी है और एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो इस मीटिंग में ये लगभग तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में जो है अगला सीएम कौन होगा। लेकिन एक चीज और है जो आज के मीटिंग है, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ये महाराष्ट्र का मामला दिल्ली तक पहुंचाने की नौबत क्यों आई। राकेश, आप बने रहेगा मेरे साथ, क्योंकि देखिए शिंदे तो मान गए हैं, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ सीधा समर्थन दे दिया है एकनाथ शिंदे ने, और फडणवीस पहले ही सब कुछ शीर्ष नेतृत्व के भरोसे छोड़ चुके हैं। पहले सुन लीजिए सीएम पद के दावेदारों का क्या कहना है। मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाठिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय। तो देखिए, एकनाथ शिंदे ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है। अब सवाल ये भी है, लोगों के मन में भी है, महाराष्ट्र की जनता के मन में भी है कि शिंदे पीछे क्यों हटे। तो उसके जो बड़े कारण माने जा रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है महायुति में, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। अब 288 सीटों में बीजेपी के पास ही अकेले 132 विधायक है। अब ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के पास सिर्फ 57 विधायक है। शिंदे को एनसीपी अजित गुट का भी समर्थन नहीं मिला है और बीजेपी को निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी मानी जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिंदे का पीछे हटना लाजमी था। राकेश चौधरी मेरे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। राकेश, शिंदे समर्थन दे चुके हैं, बावजूद उसके देरी की क्या वजह है? क्योंकि एक अटकल यह भी है कि बीजेपी अनप्रेडिक्टेबल पार्टी है, क्या फडणवीस पर ही मुहर नहीं लग पा रही है बीजेपी के अंदर खाने?
देखिए अंजलि, राजनीति में और किसी भी गठबंधन में सभी पार्टियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। बात सिर्फ सीएम पद की नहीं है, बाकी के 43 जो मंत्रालय महाराष्ट्र में है इस पर भी सस्पेंस बरकरार है और कहा जा रहा है कि इसमें जो बंटवारा होगा, इसमें जो टॉप पोर्टफोलियो वाले मिनिस्ट्री है वो दोनों अजीत पवार गुट और शिंदे गुट के बीच उसका बंटवारा नहीं हो पा रहा है। हालांकि पहले ये अंदेशा जताया जा रहा था कि बीजेपी के पाले में मुख्यमंत्री सहित 21 मंत्रालय जा सकता है और वहीं शिंदे गुट के पास 12 मंत्रालय जा सकता है और अजीत पवार गुट के पास 10 मंत्रालय। लेकिन इसमें सस्पेंस जो अभी भी बरकरार है और दोनों गुट, शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के बीच इस बात के लिए फैसला नहीं हो पा रहा है कि अहम मंत्रालय जैसे वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, इसका बंटवारा कैसे हो। इसीलिए महायुति की आज दिल्ली में बैठक है और इस बैठक में ये लगभग सीएम चेहरे की तकरार नहीं है, ये तकरार मंत्रालय के बंटवारों की भी है। बहुत-बहुत शुक्रिया राजेश।